वेलकम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर द मेयरमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ ऑब्जरवेशन्स पर ठीक है यानी यहाँ पर आप जानते हैं कि एक डाटा जैसे यहाँ पर मौजूद है और इसकी एक एवरेज वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है एथमेटिक मीन फाइंड करते हुए जो कि है फोर्टी एट पॉइंट फाइफ एट ग्राम्स ठीक है अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इस डाटा का वो हमने फाइंड आउट किया है ठीक है वो आप देख सकते हैं यहाँ उसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी है जो कि फोर पॉइंट थ्री थ्री ग्राम्स बनता है यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इस डाटा की हर ऑब्जर्वेशन का इसकी एवरेज वैल्यू से 4.33 का फ़र्क है अब वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ठीक है एक एवरेज बात की है अब हम इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे यह देख रहे हैं कि जो डाटा है वो कितना किस तरह से स्कैटर हो रहा है किस तरह से स्प्रेड हो रहा है ठीक है ओवर यानी यहाँ पर मैयमेंट के हवाले से जो हमने ऑब्जर्वेशन की हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो मेरे पास इंटरवल आता है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें एक्स बार जिसको हम एवरेज कहते हैं ठीक है एक इंटरवल हम बनाएंगे जिसमें हम ऐड और सब करेंगे वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को ठीक है अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और एवरेज uh, की वैल्यू यहाँ पर नोट की हुई है आपको पता है जिससे एवरेज जो हम है हमारे पास वो फोर्टी एट है ठीक है ग्राम्स के हवाले से वही यूनिट हैं जो कि डाटा में वेरिएबल के हैं जबकि यहाँ पर प्लस माइनस किया जाएगा एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सबट्रैक किया जाएगा वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि फोर थ्री थ्री के ही बराबर होता है ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैलकुलेशन ज़रा कर लेते हैं यहाँ ठीक है जैसे हमारे पास अगर लिखा हुआ फोटी एट पॉइंट ठीक है फोर्टी एट पॉइंट क्या था जी फाइव एट था एवरेज वैल्यू और इसमें अगर हम ऐड करें या चले पहले हम सबट्रैक कर लेते हैं यहाँ पर हम सब्ट्रैक करते हैं किसको जी स्टैंडर्ड uh, डेविएशन को जिसकी वैल्यू है जी फोर पॉइंट थ्री थ्री तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है जी फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव आ जाता है इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्या आया जी फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव ठीक है अब ये इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अब इसमें हम ऐड करते हैं ऐड भी करके देख लेते हैं फॉर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है जी फोर्टी फोर पॉइंट सॉरी फोर्टी एट पॉइंट फाइव एट है ठीक है और इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं पहले हमने सब किया था अब हम ऐड कर रहे हैं फ़ोर पॉइंट थ्री थ्री को ठीक है तो ये हमारे पास जवाब आता है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन वन इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं फिफ्टी टू पॉइंट नाइन वन अब हमने देखना है कि इस इंटरवल में हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास यहाँ डाटा मैंने लिखा हुआ है कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ठीक है इसको ज़रा सर्कल करते हैं यहाँ से आप देखेंगे फोर्टी थ्री जो है वो फोटी फ़ोर से लेस है यानी ये इसमें शामिल नहीं हो सकता हमारा इंटरवल फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव से स्टार्ट हो रहा है ठीक है यानी इन दो वैल्यूज़ से हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू इनमें आती है तो फिफ्टी फोर जो है चूँकि वो फिफ्टी टू से ज़्यादा है वो भी इसमें शामिल नहीं होगा ठीक है फिर फोर्टी फाइव जो है ये शामिल हो जाएगा एक वैल्यू हमारे पास आ गई है ठीक है इसी तरह अगर हम 44 फोर को देखें तो ये शामिल नहीं होगा क्योंकि फोर्टी फोर फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव से स्मॉलर है ठीक है फिफ्टी एट की अगर बात की ये भी नहीं आएगा फोर्टी सेवन शामिल हो जाएगा ठीक है फिफ्टी शामिल हो जाएगा फिफ्टी टू शामिल हो जाएगा क्योंकि ये फिफ्टी टू पॉइंट नाइन वन से लेस है इसलिए है। फिफ़्टी वन भी शामिल हो जाएगा 45 फाइव भी शामिल हो जाएगा ठीक है क्योंकि फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव से ग्रेटर है इस तरह फोर्टी एट भी इसमें शामिल हो जाएगा और फोर्टी सिक्स भी शामिल हो जाएगा अब इनकी काउंटिंग करते हैं कितनी है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑब्ज़रवेशन जो हैं और टोटल तादाद इनकी क्या थी जी यहाँ पर हम परसेंटेज के हवाले से बात करेंगे कि परसेंटेज ऑफ ठीक है ऑब्जरवेशंस कि हमारे पास जो ऑब्ज़र्वेशन थी कितनी ऑब्ज़रवेशन हैं वो इस इंटरवल में x बार प्लस माइनस वन टाइम s में लाए करती हैं ठीक है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है वन डॉट एस तो ये हमारे पास जी परसेंटेज का जैसे आप जानती हैं कि फार्मूला क्या होता है एट ऑब्ज़रवेशन थी आउट ऑफ कितनी है जी टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ठीक है और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको वन हंड्रेड से जो कि परसेंटेज का फार्मूला है तो ये हमारे पास जी बनता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट इसका आंसर आता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ठीक है या इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास जवाब बन जाता है सिक्सटी सेवन परसेंट अप्रॉक्सीमेट ठीक है तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास जो स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है अब इसमें इंटरवल को अगर आप बढ़ाते जाएंगे जाएँगे किस तरह इंटरवल बढ़ सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे वन टाइम एस लिखा अब आप टू टाइम एस कर दें थ्री टाइम एस कर दें ठीक है तो इस तरह से ऑब्ज़र्वेशन उस इंटरवल में जारी बात है बढ़ती जाएंगी तो एक यहाँ पर मैं जो आपको एक जनरल रिज़ल्ट बता रहा हूँ एक ऐसी बात जो कि यहाँ पर हम जनरल इन जनरल बात कर सकते हैं वो इस तरह से है कि अगर फ़र्ज करें आपके पास जो हैं ऑब्ज़रवेशन जो हैं यहाँ पर मैं एक्स बार ठीक है प्लस माइनस अगर हम यहाँ पर ये यह बात करते हैं कि जी टू टाइम एस हों ठीक है या थ्री टाइम एस हों इसके लिए हमारे पास क्या इंटरवल बनेगा ठीक है इस इस क्वेश्चन के हवाले से अगर हम देखें तो 48.58 हमारे पास एवरेज वैल्यू है इसमें हम ऐड करेंगे टू टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 4.33 है ठीक है इस हिसाब से आप ये इंटरवल बनाएंगे और इसी तरह से एक्स बार प्लस माइनस अगर हम थ्री टाइम एक्स कर लेते हैं इंटरवल और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये इंटरवल कैसे बनेगा अब ये आपके लिए एक होमवर्क है आप, आपने इस पर वर्क करना होगा ठीक है और ये यहाँ पे चेक करना होगा कि इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो लाए करती हैं थ्री टाइम एस का मतलब है कि फोर पॉइंट थ्री थ्री जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आप थ्री टाइम इंक्रीज़ करके फिर एवरेज में ऐड और सब करेंगे तो यहाँ पर मैं एक जनरल रिजल्ट आपसे शो करना चाहूँगा जो कि ओवरऑल बात की जाती है कि आपके पास कोई भी डाटा हो उसमें सिक्सटी जो मेयरमेंट हैं वो कवर कर जाती हैं इस इंटरवल में जो कि एक्स बार प्लस माइनस वन टाइम एस है इस सर नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव परसेंट जो ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो कवर कर जाती हैं एक्स बार प्लस माइनस टू टाइम्स एस इस इंटरवल में ठीक है और इसी तरह से नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट जो है यानी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो कवर हो जाती हैं जी एक्स बार प्लस माइनस थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में ठीक है तो ये आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि किस तरह से स्प्रेड ऑफ़ मेजरमेंट ऑफ ऑब्ज़रवेशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है और क्या उसका जो है हमारे पास एक जनरल रिज़ल्ट है